ओके 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 फाइन 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 वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सभी को राम राम, जय महाकाल, स्वागत है द्विज एजुकेशन में। तो साउंड नहीं था बट अभी सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून मुस्कान, काजल, श्रद्धा, लाडो, रहनी, अंजलि, गोविंद, मुस्कान, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो 3 दिन की कसर हमें अगले 3 दिनों में कवर करनी है। जो क्वेश्चन हमारे रह गए तो अब हम फास्ट मोड में सारे क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं नेक्स्ट डेज में, ठीक है? तो चलिए जल्दी से वेरी वेरी गुड आफ्टरनून अली, गोविंद सभी को, ठीक है? सभी लोग एक बार लाइक ठोक देंगे, सेशन को शेयर कर देंगे और स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है क्या, अद्वैत एजुकेशन ने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज एक प्लान करी है कि आज से हम आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम मॉक टेस्ट यानी कि पूरा छत्तीसगढ़ पटवारी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो पूरा आपको देने वाले हैं। आप वहां पर सॉल्व करेंगे और आपको फील होगा कि भाई आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है? तो बिल्कुल हम ईयर वाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम जो है 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी लोगों बता देंगे एक बार कि बढ़िया से आप लोग एनर्जेटिक हो या नहीं, है ना? इतने दिन क्लासेस हो चुकी हैं, शाम को 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और ये पूरा पेपर सॉल्व होगा। हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है? चलिए, तो सभी लोग आ गए हैं आई थिंक यहां पे, परमेश्वरी, अली, गोविंद, मुस्कान, गोविंद, अली, अंजलि, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज से शाम से 6 बजे से आपका क्वेश्चन होगा और पहला क्वेश्चन आज का ये रहा, द वनली ब्लॉक विच कंसिस्ट ऑफ अ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड इन अ पीरियोडिक टेबल इस क्या होगा। जो भी बच्चे मेरे शॉर्ट्स देखते हैं उन्हें तो बड़ा ही अच्छा लगा होगा ही, है ना? उन्हें तो ये क्वेश्चन बन ही जाना है। क्या आप मेरे शॉर्ट्स देखते हैं डेली? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे यस, जो नहीं देखते हैं वो भी बताएंगे, उन्हें नहीं बनेगा। जल्दी से क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग फास्ट वे में, भाई जल्दी जल्दी फास्ट, देखते हैं कितने बच्चों के सही जवाब आते हैं यहाँ पर, है ना? आइए, सो लेट्स सी कितने बच्चों के यहाँ पे सही जवाब है। फास्ट 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 और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सोनू जी का गड़बड़ हुआ, ये कैसे? सोनू जी का गड़बड़ हुआ, ठीक है? गड़बड़ हुआ क्या? हाँ एब्सोल्युटली, मतलब शॉर्ट्स नहीं देखते हो सोनू, ये तो अच्छी बात नहीं है, शॉर्ट्स देखना होगा। पूछो कैसे? क्योंकि शॉर्ट्स में हम डेली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन ज़रूर डालते हैं। आप यदि आई थिंक यहाँ पे अली ने भी देखा है, अंजलि का भी गड़बड़ रहा है दोस्तों। देखो तीन चीजें होती है ना, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो बहुत ही अच्छी चीज यहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया कि सिर्फ एक ऐसा ब्लॉक कौन सा है, कितने ब्लॉक हैं अपने पीरियोडिक टेबल में, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो जल्दी की वजह से गड़बड़ हुआ, कोई बात नहीं, यहां पे जल्दी करनी है, पेपर में जल्दी नहीं करनी है, ठीक है? अपना प्राथमिक जो मुद्दा है, प्राथमिक एम है, वो पेपर निकालना है, पटवारी बनना है अद्वैत एजुकेशन से, है ना? चलिए, तो एस पी डी एफ, देयर आर द 4 ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। जो आवर्त सारणी उसमें 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ। कौन कौन से एस पी डी एफ? तो कहा जा रहा है सिर्फ ऐसे ब्लॉक का नाम बताइए जिसमें मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड, धातु, उपधातु एवं अधातुएं तीनों ही हैं। तो एकमात्र ऐसे ब्लॉक का जो नाम है वो सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक है दोस्तों। और जो बच्चे भी मेरे शॉर्ट्स देखते हैं, ठीक है, जो बच्चे भी मेरे शॉर्ट्स देखते हैं उनको पता है कि जो मैम इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी शॉर्ट्स में डाला था परसों के। तो डेली आप यदि चैनल देखते हैं उसमें शॉर्ट्स दिखेंगे तो आपको एक ना एक इन्फॉर्मेशन जरूर मिलने वाली है शॉर्ट्स के थ्रू, ठीक है? अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि इसमें से ध्यान से क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड यानी धातु, अधातु एवं उपधातु में से वह कौन सी चीज है जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस अवस्था में, तीनों अवस्था में जो पाई जाती है वह कौन सी चीज है? सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे, कॉमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब चाहिए कि इन तीनों अवस्थाओं में जो पाई जाती है वो कौन सी चीज है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, है ना? चलिए फास्ट वे में, और अभी तक आई थिंक जल्दी से बताएंगे सभी लोग, सभी लोग फास्ट वे में। ना 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 ना, अरे भाई गड़बड़ कैसे हुआ यहाँ पर? गोविंद जी कह रहे हैं धातु, अच्छा धातु ठोस, तो ठीक है। कौन सी धातु है जो गैस अवस्था में है बाबू, बताना जरा, है गैस अवस्था में धातु कौन सी पाई जाती है, चलो बताओ जरा। फिर कौन सी ऐसी मेटल है जो गैस अवस्था में पाई जाती है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कौन सी मेटल है यहाँ पर कि जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। मेरा सवाल है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सी चीज है जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस यानी ठोस, द्रव और गैस में पाई जाती है, किसमें मैम? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड में। जल्दी से जवाब चाहिए मुझे भाई, जल्दी से जवाब चाहिए। ये क्वेश्चन आई थिंक करा लिया है मैंने, कहाँ गए सभी लोग, जल्दी आएंगे। और हाँ नहीं, सब क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो यार तुम लोग, ना 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 ना, अरे गलत बात। देखो अब चलो हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? चलो ध्यान से सुनना,
नहीं सोनू जी, ध्यान से सुनिए सवाल मेरा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। वह कौन सी चीज है धातु, अधातु एवं उपधातु में से जो इन तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है? तो एकमात्र वह चीज है, चलो अब जवाब दे देते हैं, किसी का भी सही जवाब नहीं आया है, चूंकि यहाँ पर एकमात्र चीज है जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, वह है दोस्तों अधातु। क्या बात कर रहे हो मैम? हाँ बेटा, अधातु जो है, नॉन मेटल जो है, वो ठोस और गैस तो पाई ही जाती है, ठीक है। जैसे फॉस्फोरस थोड़ा सा मतलब सॉलिड होता है, क्लोरीन हो गई, गैस हो गई, ठीक है, ये गैसेस अवस्था में तो होते ही है। लेकिन जो नॉन मेटल है उसमें से लिक्विड में एकमात्र जो पाया जाता है, किसी बच्चे ने जैसे ब्रोमीन का भी जवाब दिया था, तो नॉन मेटल लिक्विड में भी है, यानी एक ही ऐसी चीज है अधातु, यानी नॉन मेटल ही ऐसी चीज है जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, चाहे वो सॉलिड हो। बहुत बढ़िया, यहाँ पे लोमेश का जवाब आ गया है, बिल्कुल सही, सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती है। एकमात्र ऐसी चीज कौन सी वैसी चीज मैम जो है तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है? नॉन मेटल। यहाँ पे आपने दो चीजें सीखी हैं। क्वेश्चन था कि इन चारों ऑप्शन में से वह क्या है जिसमें तीनों चीजें पाई जाती। बहुत बारीक डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझिए कि जो ऐसा ब्लॉक जिसमें तीनों चीजें पाई जाती है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, दैट इज पी ब्लॉक, ठीक है, जिसमें तीनों चीजें पाई जाती है। अगला सुनिएगा, मैंने कहा वह कौन सी चीज है, यानी धातु, अधातु या उपधातु में से वह कौन है जो तीनों अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है? तब आपका यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा मैम की अधातु है जो तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती है, ठीक है, बिल्कुल। यहां पे आपने दो चीजें सीखी, कितनी चीजें, दो क्वेश्चन सीख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 16 विल बिलोंग टू ब्लैंक पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। परमाणु क्रमांक 16 जो है तत्व के आवर्त सारणी के ब्लैंक काल से संबंधित होगा। चारों में से जवाब देना है फास्ट। तो मेटल गैस नहीं होता, हीरेन कुमार दिवांगन जी, मेटल गैस नहीं होता। कौन सी मेटल है गैस अवस्था में, बताओ जरा। फिर तो मेटल यदि गैस हो गया तो मेटल की प्रॉपर्टी खत्म नहीं हो जाएगी कि है मेटल की प्रॉपर्टी खत्म? कोई गैस मैल्युएबल होती है क्या, डक्टाइल होती है क्या, लस्चरस होती है क्या? तो मेटल जो है हमेशा जो है ठोस ही होगी, सिर्फ एकाधी है जो लिक्विड अवस्था में है, कभी भी गैस नहीं होगी दोस्तों, ठीक है, कभी भी गैस नहीं होगी। डिफरेंस समझ आ रहा है कि नहीं, सभी लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सबसे गलती हो जाती है। जाहिद खान का जवाब बिल्कुल सही है, गोविंद का, अली का, और यहाँ पे जाहिद, ऋतिक राज, इतने बच्चों का सही जवाब आ गया है। बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई? अभी तक अमन सर का सेशन खत्म नहीं हुआ है क्या? अभी तक अमन सर का सेशन आज खत्म नहीं हुआ है? कोई बात नहीं, हिरेन जी समझ गए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे गलती हो कोई टेंशन का बात नहीं है बाबू, वहां गलती नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है एटॉमिक नंबर 16, देखो एकदम मजेदार बात बताती हूँ मैं। एटॉमिक नंबर 16 है, यानी परमाणु क्रमांक कितना है, जिसको हम कैपिटल जेड से प्रेजेंट करते हैं, 16 है। तो जब भी आपको परमाणु क्रमांक दे तो आप उसका 2D कॉन्फ़िगरेशन कर लेना। आसान भाषा में आप कैसे पहचानोगे? आपने इसको किया मैम 286, और जैसे ही आपने इसको 286 करा तो यहाँ पे दिख रहा है कि मैम नंबर ऑफ सेल 1, 2 एंड 3, देयर आर दी नंबर ऑफ सेल्स आर कितनी है, 3 है। तो जैसे ही आपने कहा कि नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब इसका पीरियड भी क्या होगा, 3 होगा। तो हमने कहा मैम कि इसका पीरियड कितना है, 3 है। ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं जिसमें हम सभी को स्पेसिफाई पता लगाते। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया श्रद्धा ने यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। अब यदि मैं बताती हूँ आगे, ध्यान से देखते चलो, यदि हमें इसी में फाइंड आउट करना है किसका ग्रुप के बारे में पता लगाना है, तो ग्रुप के बारे में पता लगाने का जो फॉर्मूला है वो कहता है, आपको ये पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक 16, वैसे बेसिकली 16 किसका होता है मैम, सल्फर का होता है, ठीक है। और मैम हम इसको कैसे निकाले, इसका पीरियड हमने निकाला जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 286, तो हमने देखा इसमें कितने नंबर ऑफ सेल है मैम, 1, 2 एंड 3, तो 3 नंबर ऑफ सेल तो पीरियड भी 3, क्या 3 नंबर ऑफ सेल तो पीरियड भी 3। और जो कि सल्फर किसका है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट। और जो भी पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उनका ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए जो हम करते हैं, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कहां पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो, आखिरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस 6 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, 10 के साथ जोड़ेंगे, जितना आया वही आपका ग्रुप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। तो यदि क्वेश्चन ग्रुप का पूछे, यदि क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल अब सही है श्रद्धा, है ना, यदि क्वेश्चन ग्रुप का पूछे और यदि वो एलिमेंट है पी ब्लॉक का, तो हम उसका जो वैलेंसी होगी जितनी, उसमें 10 ऐड कर देंगे, और जो नंबर आएगा वही आप
आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट बता देगा, ठीक है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हुआ। कैसे? पीरियड फाइंड आउट किया, कोई भी परमाणु क्रमांक देता है, यदि हमने उसका एटॉमिक नंबर पता है, देन हम उसको क्या किया हमने मैम, उसको हमने 2D कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, उस पर तोड़ा। और जैसे ही तोड़ा तो देखा कि आखिरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको 10 के साथ ऐड किया तो ग्रुप आ गया। साथ ही साथ 1, 2, 3 देयर आर 3 पीरियड्स, देयर आर 3 नंबर ऑफ शेल, दैट्स व्हाई हियर द पीरियड इज 3, यानी कि आवर्त कितना होगा, 3 होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी दिया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है, जिन बच्चों ने ऑप्शन सी दिया है उनका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, पॉलिनेशन बाय विंड इज नोन एज, पवन द्वारा जो परागण होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून चंदेल जी, जल्दी से जवाब देंगे, सभी लोग जवाब देंगे भाई, है ना, फास्ट फास्ट फास्ट, जितने लाइव उतने लाइक ठोकते रहना, और जितने लाइव होते लाइक ठोकते रहना। और बहुत बढ़िया, यहाँ पे जवाब आ गया सबसे पहले जाहिद खान लोमेश का, और ये हमारे वैसे भी टॉपर बच्चे हैं ना, कह सकते हैं हम टॉपर बच्चे हैं, और बिल्कुल सही जवाब आ गए हैं दोनों के, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही। मुझे चारों ऑप्शन का जवाब चाहिए, कॉमेंट बॉक्स में सबके सब बताओगे। एंटोमोफिली क्या कहलाता है, मुझे सभी के सब बताओगे, एंटोमोफिली क्या कहलाता है, मलैकोफिली क्या कहलाता है, एनीमोफिली क्या कहलाता है, हाइड्रोफिली क्या कहलाता है। सिर्फ एक ऑप्शन से काम नहीं चलेगा, ठीक है, पॉलिनेशन बाय विंड इज नोन एज व्हाट, दैट इज एनीमोफिली, बट आपको चारों ही ऑप्शन पता होने चाहिए। जल्दी से मुझे जवाब देखना है कितने बच्चों का सही आता है, एंटोमोफिली कब कहलाता है और मलैकोफिली कब कहलाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, पहला जो है इंसेक्ट से, एंटोमोफिली तब होता है जब वो कीड़े मकोड़े के द्वारा होता है। देखो परागण यदि कीड़े मकोड़े के द्वारा हो रहा है, इंसेक्ट के द्वारा, बिल्कुल सही जवाब अली, तो हम कहेंगे एंटोमोफिली, एब्सोल्युटली श्रद्धा, एब्सोल्युटली, ठीक है। और यहां पे आगे बढ़ते हैं, मलैकोफिली साथ ही साथ हाइड्रोफिली, यदि पानी के साथ हो रहा है, पानी के साथ हो रहा है तो हम क्या कहेंगे मैम, पानी के साथ हो रहा है तो हाइड्रोफिली, और यदि बैट के साथ होता है श्रद्धा तो उसे हम चिरिप्टोफिली कहते हैं। लेकिन यदि मलैकोफिली दिया, इसका मतलब स्नेल या घोंघे के थ्रू होने वाला परागण, क्या आप सभी भूल गए हैं ये वाली जो स्लाइड मैम ने आपको दिखाई थी बच्चों, मैंने कहा था इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, आप फिर भी भूल गए हैं। अभी आपका क्वेश्चन कौन सा था, अभी विंड वाला था, तो विंड वाला क्या कहलाता है, विंड पॉलिनेशन मैम एनिमोफिली, और चौथा ऑप्शन जो था वाटर पॉलिनेशन हाइड्रोफिली, बैट के द्वारा होने वाला चिरिप्टोफिली कहलाता है श्रद्धा, और इंसेक्ट के द्वारा होने वाला जो है इंटोमोफिली हम कह सकते हैं, साथ ही साथ स्नेल यानी जिसे हम घोंघा कहते हैं, घोंघे के द्वारा होने वाला परागण मलैकोफिली है, और जबकि बर्ड्स के द्वारा होगा तो ऑर्निथोफिली। सारे के सारे आपको जो है पता होने चाहिए, सारे के सारे जवाब जो है आपको पता होने चाहिए, ठीक है, सारे के सारे। यहाँ पे अभी आपका जो क्वेश्चन था वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोफिली का था, और साथ ही साथ जो है आपका क्या बोलते हैं एनिमोफिली का था, बाकी इसको मैंने कहा है ये बार बार रिपीट होगा आपके पेपर में, यदि इनमें से एक भी क्वेश्चन आ गया ना तो आपका भेड़ा पार हो जाना है कि नहीं, है सत्यम, कैसे हो, जल्दी से जवाब देना है सारे क्वेश्चन के, और सेशन को शेयर करते रहना, ये नहीं होना चाहिए, 3 दिन की कसर हमें अभी 3 दिन में पूरी करनी है, तो ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे गायब हो गए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, काफ़ी नुकसान हो सकता है। आज शाम को 6 बजे से मॉक टेस्ट होगा, जिसमें पटवारी का लाइव पेपर जो है सॉल्व करने वाले हैं हम सभी, है ना, लाइव पेपर सॉल्व करने वाले हैं आप सभी के साथ, पहले आप जवाब दोगे फिर नहीं बनेगा तो हम देंगे, ठीक है, चलिए जल्दी से। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन वो 2D वाला होता है, लेकिन जब हम SPDF उपकक्षाएं बना देते हैं तो उसमें फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, ठीक है, 2, 6, 10, 12 ऐसे करके 2, 6, 10, 14 करके इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, लेकिन अभी जब हम नॉर्मली बात करते हैं हीरेंद्र तो बिल्कुल यही चलता है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो 2n² होता है, नंबर ऑफ कक्षाएं इज इक्वल टू n, n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 रखते जाओ, ठीक है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल ठीक है, अभी सारे जवाब सही हैं। यदि इंसेक्ट के थ्रू होगा मैम तो वो बैट आपका एंटोमोफिली है, यदि चमगादड़ के द्वारा हो रहा है तो चिरिप्टोफिली, यदि घोंघे के द्वारा हो रहा है तो मलैकोफिली, फिर से रिपीट कर रही हूं, यदि चिड़ियों के द्वारा हो रहा है तो ऑर्निथोफिली। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जल्दी से जवाब देंगे। द फ्रिक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करेंट इज, जो दिष्ट धारा होती है उसकी जो आवृत्ति है वो कितनी होती है। सभी लोग हाय मुकेश, हाय जगदीप, सभी लोग सेशन को शेयर करते रहेंगे, हाँ बिल्कुल हम सबके साथ होने वाले, बहुत बढ़िया, पहला ही जवाब है ना, बहुत बढ़िया, अरे जाहिद खान और अली, अरे बहुत बढ़िया, आप लोगों के रोजा चल रहे होंगे, है ना, चलिए तो मतलब एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रहे हो, बिल्कुल दोनों के मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाते हैं, लोमेस का भी सही रहता है, लेकिन इस बार सबके सब सही
दे रहे हैं, सबके सब सही दे रहे हैं। अच्छा देख रहे हो अभी भी गड़बड़ आया। इंतजार मुझे इसी चीज का था कि कोई तो गलत जवाब दे। भैया बात किसकी कर रहा है? डीसी करंट की। देखो ध्यान से सुनो, जिनका क्वेश्चन गड़बड़ है वो लोग सुनेंगे, बाकी जिनका सही है वो तो समझ गए, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे। जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता क्या है? जैसे मैंने कहा आवृत्ति, तो आवृत्ति का मतलब है कि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। ये क्या होता है मैम, नंबर ऑफ साइकिल? ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये जो चल के गया ना, ये कंप्लीट एक साइकिल हुआ, फिर यहाँ से चला तो फिर ये कंप्लीट एक साइकिल हुआ। तो ये जब हम एसी करंट की बात करते हैं तो वो कुछ ऐसा ही बनता है, ठीक है? एसी करंट ऐसा बनता है, लेकिन मैं जब डीसी करंट को ड्रॉ करती हूँ तो उसका स्ट्रक्चर मैम कुछ ऐसा बन जाता है। तो क्या यहाँ पे आपको नंबर ऑफ साइकिल नजर आ रहे हैं? यहाँ पे लिखेंगे अपन डीसी करंट, ठीक है? क्या यहाँ पे आपको नंबर ऑफ साइकिल नजर आ रहे हैं? चूंकि मैम यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल ही नहीं है, दैट्स वाई तो हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी जीरो है। यही रीजन है कि हम कहते हैं कि जब किसी को करंट लगता है तो बैटरी द्वारा लग रहा है, इन्वर्टर वगैरह में जो बैटरी होती है या किसी भी बैटरी, कहीं पर भी यदि आपको डीसी करंट ने पकड़ा है तो वो आपको छोड़ने वाला नहीं है, है ना? नॉर्मली लोग उसमें बचने की संभावना कम होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जीरो है। यहाँ पे ध्यान से देखो जरा मैम, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो आवृत्ति यहाँ से चलना चालू हुई, एक पॉइंट पे शून्य हुई, फिर चली मैम फिर से शून्य हुई। तो ये जो वहां पे शून्य होती है, इसीलिए थोड़ा झटका या वाइब्रेशन फील होता है। तो जब एसी करंट में कई बार करंट लगता है तो आपको एकदम झटके से आप ऐसे छोड़ देते हो, बच सकते हो, बट कभी भी डीसी करंट लगेगा तो आप बचोगे नहीं। इसका जो रीजन है वो भी इसी से पूरा का पूरा कनेक्टेड है कि मैम चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, ये कंटिन्यूअस चलता जा रहा है भाई वैल्यू, यानी उतनी कांस्टेंट सप्लाई आपने पकड़ा। सपोज करो 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट आपको कांस्टेंटली पकड़ा हुआ है, लेकिन यदि एसी का 5 वोल्ट है तो उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी और जीरो भी होगी। इसीलिए एसी करंट में कम कहना चाहिए आपको, कम करंट लगता है, आप बच सकते हैं उसमें, है ना? यही रीजन है कि डीसी करंट एसी करंट से ज्यादा खतरनाक होती है। तो दिष्ट धारा की आवृत्ति पूछा है तो हम जीरो कहेंगे, यदि एसी की अल्टरनेटिंग करंट की पूछता तो हम 50 हर्ट्ज का जवाब देते। समझ हुआ सभी को? गोविंद बेटा अभी क्लियर है क्या? यदि यहाँ पे एसी करंट होता तो हम 50 हर्ट्ज का आंसर देते, लेकिन चूंकि डीसी करंट है दैट्स वाई हम 0 हर्ट्ज का जीरो जो होगा हमारा आंसर होगा। क्यों होगा आप देख सकते हो, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज नोन एज बेसिकली फ्रीक्वेंसी, है ना? नंबर ऑफ साइकिल प्रति सेकंड ही आवृत्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका जवाब जो है वो ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे, द मेन फंक्शन ऑफ आरएनए। सभी का क्वेश्चन सही होना चाहिए। एसी को हिंदी में हम दिष्ट धारा और हिंदी में अल्टरनेटिंग करंट ऐसे कुछ होता है यार, आवृत धारा कहते हैं शायद, आवृत धारा, है ना? चलिए यहाँ पे द मेन फंक्शन ऑफ आरएनए, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण करना, दोनों करना या इनमें से कोई नहीं? बहुत बढ़िया, सही जवाब आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हीरेन देवांगन, उतना ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल 50 से 60 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़ ही लेकर के चलते हैं बेसिकली, ठीक है? यस बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। नहीं गड़बड़ जा रहे हैं वर्मा जी, अरे भाई गड़बड़ हो गई। ध्यान से देखिए, जो आरएनए होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, क्या फुल फॉर्म है? पहली बात तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, दैट इज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? इसका जो काम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का संश्लेषण। हम नॉर्मली समझते हैं कि डीएनए आरएनए भाई भाई होंगे, भाई आरएनए जो है ना बेसिकली आरएनए का काम जो है, डीएनए जो है आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि आरएनए जो है ना आपका क्या होता है मैम, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। क्या करता है? प्रोटीन। जितने बहुत बढ़िया, बिल्कुल मनीषा, बिल्कुल राकेश शर्मा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? जो भी बच्चे बी ऑप्शन गए बिल्कुल सही। एक और क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो भी सीख लीजिए। क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये आरएनए दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ जरा, अभी कोविड-19 के दौरान में आपने बड़ा देखा कि कोविड सबको बड़ा परेशान कर रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं ये भी तो सुना ही होगा ना कि जो आपका कोविड-19 है वो आरएनए बेस्ड वायरस है, है ना? आरएनए बेस्ड वायरस है, डीएनए बेस्ड वायरस नहीं है। डीएनए बेस्ड वायरस होता तो शायद उसको उतनी तेजी से वो रेप्लिकेशन नहीं कर पाता और उतनी तेजी से म्यूटेशंस नहीं होते और उसको हम ज़्यादा जल्दी जो है उसके ट्रीटमेंट के बारे में पता लगा पाते। ना पता लगा पाना भी कहीं ना कहीं एक ही रीजन है, दैट इज इट इज आरएनए बेस्ड वायरस, ठीक है? अब ध्यान से सुनो जरा, एक क्वेश्चन बनता है कि जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स का मतलब होता है, समझ रहे हो ना? यूं यहाँ पे कितने हेलिक्स नजर आ रहे हैं मैम, एक वाला ये है, दूसरा वाला ये है, लेकिन क्या आरएनए में डबल हेलिक्स है? बिल्कुल भी नहीं। तो आरएनए जो होता है सिंगल हेलिक्स होता है। क्या होता है? सिंगल हेलिक्स। दूसरा क्वेश्चन बनता है, जो डीएनए का पूरा कहना चाहिए किससे मिलकर के बना है, तो डीएनए मिलकर बना होता है, ध्यान से देखिएगा, आसानी से आप याद रखोगे, सी जी
ए टी, क्या क्या याद रखोगे? सी जी ए टी, सी से साइटोसाइन, जी से ग्वानाइन, ए से एडीनाइन और टी से है थाइमिन. लेकिन क्या मैम आरएनए में क्या क्वेश्चन बनता है? तो ध्यान से देखो, सी सेम है, जी सेम है, ए अड़वल हो है, ए भी सेम है और यू अलग हो गया. यानी कि जो यूरेसिल है वो प्रेजेंट होता है आरएनए में बजाय डीएनए के. बाकी तीन चीजें जो सेम है कौन सी मैम? सी जी ए. ध्यान से देखो जरा, सी जी ए. तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टिकेश्वर ने वो बात भी कही कि जो आरटीपीसीआर, बिल्कुल वहां पर यही हो रहा था, है ना? एब्सोल्युटली. ठीक है, हाँ सुने थे ना, यही रीजन है कि जब आरएनए बेस्ड होता है ना तो वो सिंगल हेलिक्स होता है. तो सिंगल हेलिक्स में क्या है कि सोचो जो नंबर ऑफ साइकिल्स ऐसे घुमाए जाते थे ना, तो उस वायरस को डबल बना करके हमने चेक किया है. ठीक है, उसको ऐसे घुमाते थे कि आरएनए का उतना जो कहना चाहिए एप्लीकेशन है अपने पास, आरएनए से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है. तो जब आपको पता लगाना हुआ कि वो वायरस कितने लेवल तक इफेक्ट कर रहा है, तो उस कोविड को भी क्या था, जो आरएनए बेस्ड वायरस था ना उसको भी हमने डीएनए की तरह ऐसे ऐसे कन्वर्ट किया. यानी उसको भी हमने डबल हेलिक्स बना करके ही, डबल हेलिक्स करके पता लगाया कि ये कितने मतलब म्यूटेशन, कितने बार डबल हेलिक्स होने के बाद जो है ये इतना अफेक्ट कर रहा है उस तरीके से. ठीक है, चलिए. तो क्वेश्चन जो पेपर में बनता है वो ये बनता है कि आरएनए में डीएनए के अलावा क्या एक्स्ट्रा प्रेजेंट है. तो यू याद रखना, यू यू फॉर यू. ठीक है, यूरेसिल एक्स्ट्रा जो है प्रेजेंट होता है. बाकी तीन चीजें सेम है. क्या क्या सेम है? साइटोसाइन, ग्वानाइन, एडीनाइन. सी जी ए, सी जी ए छत्तीसगढ़ ए, समझ लेना, एडीओ वाला, छत्तीसगढ़ एडीओ. तो सी जी ए सेम है दोनों में, डीएनए आरएनए में. एक्स्ट्रा क्या यहां पर प्रेजेंट है? दैट इज यूरेसिल. क्लियर है दोस्तों? चलिए यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा है. अभी सभी बच्चों ने ना लाइक वाइक नहीं किया है, तो क्या फिर मैम शेयर कर दे रही हैं? भाई मैम शेयर कर रही हैं, आप सभी भी एक बार शेयर करिए तभी मजा आएगा. ठीक है, चलिए. मैम शेयर कर रही हैं, आप सभी भी शेयर कर दीजिए तभी मजा आएगा, नहीं तो ऐसे मजा नहीं आएगा. चलिए, मैम ने शेयर कर दिया और आप सभी भी कर दीजिए और सब लोग लाइक कर दीजिए, तभी फिर ज़्यादा हम एंजॉय कर पाएंगे सेशन को. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने गति के समीकरण से है. क्वेश्चन कह रहा है, गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? देयर आर दी फोर ऑप्शन. सभी लोग जवाब देंगे फास्ट वे में, जवाब देंगे भाई, है ना? और यहाँ पे लकी साहू भी बने हुए हैं, जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग. ठीक है, चलिए चलिए, फास्ट फास्ट फास्ट. गति के समीकरण से पहली बात तो आपको तीनों समीकरण पता होने चाहिए, तीनों समीकरण पता होने चाहिए, है ना? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्या क्या कहता है, मुझे फास्ट यहाँ पे जवाब चाहिए. और एक जवाब आया है, एक जवाब आया है यहाँ पे, अभी भी गड़बड़ जा रहे हो भाई, गड़बड़ जा रहे हो. अरे भाई, ये उम्मीद नहीं थी, ये उम्मीद नहीं थी. तुम लोग थोड़े से कंफ्यूज हुए हो. ठीक है, लक्ष्मण मीना जी का जवाब आया है. बाकी लोग कहाँ हैं? मनीषा चौन, बहुत बढ़िया. एक ही सही जवाब पहला आया जाहिद खान का, दूसरा आया है भीष्म वर्मा का, सोनू देवांगन, लक्ष्मण मीना, अंजलि साहू. अब जाके आप लोगों के जवाब सही हुए हैं. गुड आफ्टरनून पिंकी, कैसी हो भाई? यशोदा ठाकुर, लक्ष्मण मीना, सही जवाब. बिल्कुल, देखो ये तो सब गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सबको पता है. प्राथमिक समीकरण गति का, मोशन का सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन. तीसरा इक्वेशन कहता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है, और यही आप सबको पता है. और इसमें इन दोनों को कन्फ्यूज किया दोस्तों, तो आप कैसे कन्फ्यूज हो गए, समझ नहीं आ रहा है. यानी कि मैम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भी लग देंगे तो भी टू ए एस, ये बिल्कुल सही है. तो मैम इसका जो जवाब होगा कि कौन सा नहीं है, तो हम जो जवाब देंगे मैम कि ऑप्शन ए जो है वो गति का समीकरण नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा ही कंफ्यूज हुए हैं आप सभी. हाय लक्ष्मण, कैसे हो? ठीक है भाई, थोड़े से ही आप लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ कंफ्यूज हुए हैं. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, पता है थर्ड इक्वेशन क्या, कौन सा है ये? थर्ड इक्वेशन कहलाता है गति का तीसरा समीकरण. पहला है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन कहता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और इसी को इसने दो टर्म में लिखा है. तो आपको दोस्तों ऑप्शन ए के साथ जाना था. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, प्लस माइनस का खेला हो गया, आपको याद ये रखना था. तो जब कन्फ्यूजन हुआ करे तो कॉपी में लिख लिया करो, ये क्वेश्चन लिखे, फिर इसको ऐसा ऐसा मनाओ. अच्छा, इधर ले आए तो बराबर 2as, ऐसा कोई सा दिख रहा है? हाँ ये दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन गड़बड़ हो गया. पहला ऑप्शन क्या हो गया? गड़बड़ हो गया. आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है. द इलेक्ट्रिक करेंट डज नॉट फ्लो बिटवीन टू प्रॉपरली कनेक्टेड चार्ज्ड बॉडीज इफ दे हैव, क्या होगा यदि उन दोनों का सेम चार्ज है, सेम कैपेसिटी है, सेम रेजिस्टिविटी, सेम वोल्टेज है? जल्दी जवाब देंगे. ठीक है, बढ़िया हूँ, सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग सेशन को शेयर एंड लाइक करते रहेंगे. और हमारे साथ अमन सर भी जुड़े हुए हैं. ठीक है, आप सभी के फेवरेट भाई, जल्दी से जवाब देना, मुझे नहीं लगता इस बार सही जवाब दोगे. ठीक है, और आ गया यार सही जवाब, लोमेश के तो सभी क्वेश्चन सही रहते हैं,
बहुत बढ़िया, कुछ लोग गड़बड़ जा रहे हैं, कुछ लोग गड़बड़ जा रहे हैं, कुछ लोग सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन वाले हैं अपने लोमेश सबसे पहले जवाब, जाहिद, राकेश और दिव्या। अरे वाह दिव्या, दीपाली, बढ़िया यार, सही है यार, है ना। मनीषा, यशोदा, सही है यार, डी वाले सही है, मतलब तुमने जवाब दिया, अच्छा लगा मुझे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो, विद्युत धारा कब प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ पे जो कह रहा है वो बना लो ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। कह रहा है यदि दो पॉइंट है जिनका वोल्टेज सेम है, यदि ये V1 और V2 सेम हो जाएंगे तो मैम I इज इक्वल टू VYR होता है, तो मैम V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा होगा, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो मैम चूंकि ये दोनों सेम है तो V माइनस V बटा R तो बराबर 0/R तो बराबर 0, तो करंट फ्लो नहीं होगी यदि वो सेम वोल्टेज के हैं। तो जिनको भी समझ नहीं आया वो फिर से समझेंगे, विद्युत धारा कभी भी प्रवाहित नहीं होती है यदि वो सेम वोल्टेजेस के, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। यदि वो दोनों सेम वोल्टेज के हो गए मैम, तो V1 और V2 सेम हो गया तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, चाहे V मानो, एक मानो, दो मानो, जो भी मानोगे, तो V माइनस V डिवाइडेड बाई R, तो 0/R बराबर 0। यानी कि मैम करंट फ्लो कब नहीं होगी, जब दोनों ही विद्युतों, दोनों ही पॉइंट का पोटेंशियल जो है सेम हो जाएगा। कितना हो जाएगा मैम, सेम हो जाएगा, दैट इज सेम वोल्टेज। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बाकी बच्चों का गड़बड़ हुआ, ठीक है। हाँ, इसीलिए रिवर्स नहीं समझना है, जिनका गड़बड़ हुआ वो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे। आइडेंटिफाई दी ऑर्गन व्हिच इज लोकेटेड ऑन बोथ साइड इन दी ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में दोनों तरफ जो अंग लोकेटेड है वो आपको जवाब देना है, सभी लोग बताएंगे, है ना। उस अंग की पहचान करनी है जो मानव शरीर में दोनों तरफ स्थित है, वह कौन सा अंग है जो दोनों तरफ स्थित है। अभी भी देखना, कुछ लोग गड़बड़ दोगे, मेरे को पता है ना, कुछ लोग लीवर दो बनाएंगे, कुछ लोग स्प्लीन दो बनाएंगे, कुछ लोग, अच्छा नहीं है क्या, नहीं है क्या, अरे वाह भाई, चलो कोई तो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सभी के सभी ऑप्शन है, बहुत बढ़िया, बधाई हो। पहला क्वेश्चन आया है जिसमें सभी का जवाब सही आया है, बोलो मैम ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो मजा आया है ना, ऐसे क्वेश्चंस, चलिए ठीक है, अभी भी तो कोई गड़बड़ नहीं किया है, नहीं किया है, शुरू से लेकर लास्ट तक भाई सभी 70 के 70 बच्चों ने लाइक तो नहीं किया है, अभी सेशन लाइक बराबर नहीं है बेटा, मजेदार बात नहीं है ये। चलो सभी लोग लाइक कर दो, और बिल्कुल सही जवाब है। जिनको अभी भी कंफ्यूजन है ना बाबू, देख लो दो ही किडनी होती है, ठीक है, यदि इसमें होता किडनी की जगह लंग होता तो भी सही जवाब होता, फेफड़े भी दो ही होते हैं, लेकिन हार्ट एक ही है बेटा, दिल तो एक ही है ना, इसलिए कहते हैं मत तोड़ो, बार बार मत तोड़ो, दिल एक ही है, फेफड़े दो हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूजन नहीं करना, दिल एक है, फेफड़े दो हैं, और दिल का जो शेप है हम लोग जो ऐसा पढ़ लेते हैं कि ये ऐसा होता है और ऐसा बना देते हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, तो ठीक है दिल याद रखना। और ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि हार्ट किस लंग की तरफ पाया जाता है, तो लेफ्ट लंग की तरफ पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए, तो कितने पाए जाते हैं, किडनी पाई जाती है, कितनी, दो पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूकंप तरंगों के अंकन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला यंत्र, सभी लोग बताएंगे। फास्ट 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 जवाब देना है भाई, कमेंट सेक्शन रुकना नहीं चाहिए, है ना, जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मार्किंग, या कहना चाहिए मेजरमेंट ऑफ, बहुत ही बढ़िया, सबसे पहला जवाब किसका है, विश्वजीत दास का आया है, बहुत ही बढ़िया भाई, बिल्कुल सही जवाब है। अरे इसमें तो सबको बनना ही है यार, सिस्मोग्राफ, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो कमेंट सेक्शन में सब लोग बताएंगे, किस स्केल का हम उपयोग करते हैं, किस स्केल का हम उपयोग करते हैं सिस्मोग्राफ में भूकंप मापने के लिए, ठीक है, जल्दी बताएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं वॉइस को सही कर लेती हूँ, ये चलिए अभी सही आएगी वॉइस, अभी सही है ना। और यहाँ पे टेलीग्राम लिंक दी जा रही है दोस्तों, जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं वो ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम, ठीक है। चलिए टेली, बहुत बढ़िया, किसका, लोमेश का जवाब, वो मनीषा बिल्कुल सही है, रिएक्टर स्कूल, रिएक्टर स्केल जो होती है, जैसे है ना, आपको मैं कहूँ कि बेटा 10 सेंटीमीटर लाइन खींचो, तो आप 10 सेंटीमीटर लाइन खींचने के लिए अपने कंपास से निकालोगे, अपनी स्केल निकालोगे ना, है ना, कंपास बॉक्स से, तो वही स्केल जब निकालोगे, तो वैसे ही हर चीज़ के लिए एक स्केल होता है बच्चों। तो जो भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ में हम यूज़ करते हैं रिएक्टर स्केल, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मछली के यकृत तेल से प्राप्त होने वाली विटामिन का नाम, एकदम आसान क्वेश्चन है, तुरंत जवाब चाहिए, सबका जवाब चाहिए, किसी का भी जवाब रुकना नहीं चाहिए भाई, तुरंत सभी का जवाब चाहिए। ये क्या है, कौन है, बास्टर थिएटर, अभी ऑप्शन है,
नहीं भाई, अरे कहाँ जा रहे हो भाई अभी, मतलब ये कैसे गड़बड़ कर रहे हो, ये क्वेश्चन तो गलत होना नहीं चाहिए। डी फॉर दिव्या, डी फॉर दीपाली, ऑप्शन डी इज करेक्ट यार। ठीक है दिव्या आज तो खुश हो जाएगी, अरे मैम क्या बात है, डी डी वाले। अच्छा डी फॉर दीपक भी है यहाँ पे, ठीक है चलेगा। यहाँ पे भाई ऑप्शन डी विटामिन डी के लिए होता है, ठीक है। हाँ देवदास भी हैं, अरे ठीक है भाई देवदास भी हैं, तो डी फॉर कई लोग हैं, ऑप्शन डी सही है। मछली के यकृत तेल जो कॉड लीवर होता है, देखो कॉड एक प्रकार की मछली होती है, ठीक है। कॉड इज अ मतलब कहना चाहिए मछली का नाम है कॉड, उस प्रजाति की मछलियां पाई जाती है, तो उनके लीवर में जो है कौन सी विटामिन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती, दैट इज विटामिन डी। ऑप्शन डी आपका सही है, विटामिन डी बिल्कुल सही है, और उसी की दवाइयां बना दी जाती हैं, उसी की गोलियां बना दी जाती हैं, और कहा जाता है कि कौन सा है, मतलब जैसे अब ऐसा तो है नहीं ना भाई कि जो लोग अब मछली नहीं खाते, है ना, मच्छी भात वाले नहीं है जो लोग। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, विश्वजीत दास जी आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, साइंस बाय दीपाली मैम, लिंक ऊपर दी गई है, चैट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई मैं बता दूं कि ये जो गोलियां नजर आ रही हैं इसके अंदर ना बेसिकली मछली का तेल ही होता है, कौन सा, कॉड लीवर से बना हुआ, जो रिच सोर्स इन विटामिन डी होता है, ठीक है, विटामिन डी का रिच सोर्स होता है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन सभी लोग जवाब देंगे। What is most common treatment for bacterial infection in human being? सभी लोग जवाब देंगे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया विश्वजीत, बहुत ही बढ़िया, गुड यार, सभी लोग जवाब देंगे एस्पिरिन, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक, एंटीजन। इससे रिलेटेड मैंने एक और क्वेश्चन कराया है भाई, यार जो बहुत बीमार बीमार होता होगा ना उसको इसका जवाब ज़्यादा पता होगा, मेरे टाइप कुछ कुछ लोगों को हो जाता है ना क्या हो जाता है, मलेरिया, लवेरिया एंड ऑल दैट। मैं यहाँ इन सब की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे कुछ का गड़बड़ है पर मैक्सिमम का सही है, विच इज़ वेरी नाइस, ठीक है। जो एंटीबायोटिक, देखो सबसे कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना टाइफाइड है, जो मतलब सुनी लोगे यार कि अच्छा इसको टाइफाइड हुआ, ठीक ही नहीं हो रहा है, अरे कब से हुआ है भाई, हाँ और खाओ बाहर का गंदा खाना पानी, ठीक है। तो सबसे कॉमन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो भाई टाइफाइड, मैं तो यही मानती हूँ टाइफाइड सबसे कॉमन है। तो ऐसे याद रखा करो कि जब टाइफाइड की दवाई कराने जाता है ना कोई इंसान, तो डॉक्टर भर भर के इतनी बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक्स देता है खाने के लिए। तो बेसिकली एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये ट्रीटमेंट होते हैं, यूज़ किया जाता है किसके लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। गोविंद जिसका बता रहे हैं ना उसका कोई इलाज नहीं है बेसिकली, ठीक है, उसका इलाज नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बैक्टीरियल ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ब्लैंक इज इन्फ्लामेशन ऑफ द थिन टिश्यू, कौन सी बीमारी है जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले जो पतले ऊतक होते हैं उनमें सूजन हो जाती है, उनमें जलन होने लगती है। देयर आर द फोर ऑप्शंस, हेपेटाइटिस, स्कैलोडर्मा, मेनिनजाइटिस एंड अर्थराइटिस, देयर आर द फोर ऑप्शंस, सभी लोग जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया देवांगन जी, अरे क्या बात है, आज बादाम खाया है राहुल ने, अरे बहुत बढ़िया, और इसका जवाब भी आ गया क्या, बास्टर थिएटर, व्हाट अ नेम, क्या बात है यार, बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन आई थिंक, ये क्वेश्चन यार सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन तो कंठस्थ कराया गया है आप सभी को, है ना। लेकिन यदि अभी मैं यहाँ पे पूछ लूँ कि हेपेटाइटिस, स्कैलोडर्मा, अर्थराइटिस, तो शायद उतना जवाब नहीं होगा। अभी जिन बच्चों को कन्फ्यूजन आई है मैं दिखाती हूँ, तो जो ये हमारी जो खोपड़ी है, हमारा जो दिमाग है ना, जो हमारा दिमाग की बात हो रही है, दिमाग क्या होता है ध्यान से देखिएगा मैम, जो ब्रेन का ऊपरी हिस्सा होता है ना उसमें काफ़ी ऐसे लेयर से बना हुआ होता है, तो यदि मैं ऊपरी हिस्से को उठाकर यहाँ पर रखूँ तो सबसे ऊपर वाला खोपड़ी है, उसके नीचे जो लेयर होती है उसे हम मेनिंजस लेयर कहते हैं, और देन उसके नीचे से ब्रेन स्टार्ट होता है। तो ये जो ब्लू वाली मेनिंजस लेयर है, यदि यही क्या हो जाए, थोड़ी रेडिश हो जाए, लाल हो जाए, जैसे हमें स्किन में कुछ हो जाता है तो कैसा होता है, स्किन इन्फेक्शन हुआ तो लाल हो गया, जलने लगता है, ऐसा ही होता है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये लाल हो गई, जलने लगी, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो हम इसे कहते हैं मेनिनजाइटिस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि जो लेयर है ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ब्रेन है, दिख रहा है सबसे ऊपर खोपड़ी है आपकी, ठीक है। ये इसके जस्ट नीचे जो है मेनिंजस लेयर होती है जिसमें तीन लेयर होते हैं, तो मेनिंजस में जब जलन हो जाएगी उसे हम कहते हैं मेनिनजाइटिस। बादाम नहीं खाना है, कच्चा बादाम खाना है, कच्चा बादाम, है ना, साहिल कह रहे हैं। चलिए अगला यहाँ पे दिख रहा है स्कैलोडर्मा, तो स्कैलोडर्मा जब भी वर्ड आएगा डर्मा से रिलेटेड, डर्मा वर्ड है समझ जाना स्किन से संबंधित है, तो स्कैलोडर्मा है, दैट इज नोन एज द स्किन डिजीज, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो एक ऑप्शन था हेपेटाइटिस, तो जब लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है, यहाँ पर सूजन की दिक्कत होती है यकृत में, तो हम उसे कहते हैं हेपेटाइटिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया पटवारी में तो फोड़ के आ जाओगे भाई, जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग, बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल हमेशा सही होगा. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है, जल्दी सभी लोग जवाब देंगे. और सही जवाब आ गया जाहिद खान, राकेश शर्मा, भीष्म वर्मा. बहुत बढ़िया साहिल सोनी, बहुत ही सही. ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट. ये क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया है भाई. ठीक है, अभी अभी हमने बात करी थी फ्रीक्वेंसी की. क्या बात करी थी? फ्रीक्वेंसी की. तो जो आवर्त काल होता है ना, बेसिकली ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, है ना. किसके होता है मैम? फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो टी इक्वल टू 1/f बोलूँ, एफ इक्वल टू 1/t बोलूँ, बात एक ही है ना, एक ही है ना. ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर. अच्छा, यदि मैं टाइम पीरियड का आपसे मैं डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लूँ, ध्यान से सुनिएगा, टाइम पीरियड का मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए आप सभी से, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी का भी. तो टाइम पीरियड का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला और फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, सभी लोग बताएंगे जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे. और जितने लाइव हैं सब ठोक देंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट डायमेंशनल फॉर्मूला साहिल. ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है सभी को. बहुत बढ़िया जाहिद खान, बिल्कुल सही है. लेकिन यदि फ्रीक्वेंसी की बात, देखो टाइम पीरियड का बात करेंगे तो मैम सिर्फ टी होगा ना, एकदम एकदम ही आसान. लेकिन यदि मैंने फ्रीक्वेंसी की बात करी तो टी का इनवर्स कर देना. क्यों कर देना? क्योंकि मैम टी इक्वल टू 1/f होता है, दैट्स इट. लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. बहुत बढ़िया साहिल, एब्सोल्युटली बिल्कुल बहुत बढ़िया साहिल. अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, यहां पर जल्दी बताएंगे. ब्लैंक इज अ यूनिट ऑफ लेंथ रफली द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन. पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापने में हम किसका उपयोग करते हैं? इनमें से चार ऑप्शन है. सभी लोग जवाब देंगे और लाइक ठोकेंगे. भाई लाइक नहीं किए हो तुम लोग, मतलब तीन दिन में भूल गए हो कि मैम कैसे पढ़ाती हैं, है ना मैम. मतलब बोल बोल के, है ना, अंगूठा उठा उठा के, मतलब सामने बैठे होते तो अंगूठा ऐसे उठाते और ऐसे छपवाते. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. नहीं भाई, सबके सब ये क्या है, ये तो गड़बड़ जा रहे हो, गड़बड़ जा रहे हो भाई. क्वेश्चन तो पढ़ो, जरा क्वेश्चन तो पढ़ो. मजा आया मुझे, मतलब कि तुम लोगों ने गलत किया, यानी कि चलो मेरे क्वेश्चन लाने का उद्देश्य सफल हो गया. ब्लैंक इज अ यूनिट ऑफ लेंथ बिटवीन द डिस्टेंस जो है किसके, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को. तो चार ऑप्शन, देखो कैल्विन और जूल तो पहले ही बाहर हो गए, दो ही ऑप्शन समझ आ रहे हैं मैम, लाइट और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. आओ बच्चा, जो गलती किए हो ना आओ तुमको दिखाते हैं. लाइट ईयर जो होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है, ठीक है. लेकिन जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए गलती नहीं करना, फिर से मैंने ये क्वेश्चन रखा. ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है मैम, ये पूछी जाती है, इससे हम मेजर करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी. क्वेश्चन पेपर में एक और आता है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? तो 1.5 × 10^11 मीटर. वन लाइट ईयर कितना होता है? तो 9.46 × 10^15 मीटर. वन पार्सेक कितना होता है? तो 3.08 × 10^16 मीटर. तीनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. यहां पर क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि जो पृथ्वी है और जो सूर्य है दोस्तों, ठीक है, जो सूर्य है और वो पृथ्वी है, इसके बीच की जो दूरी होगी ना, उसको हम हमेशा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करेंगे. किसमें मेजर करेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में. कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा मैम? ऑप्शन बी सही होगा यहां पर, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा. चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए फास्ट जवाब देंगे. ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? ऑक्सीनोमीटर का उपयोग हम किस चीज को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं? ठीक है, देयर आर दी फोर ऑप्शंस, जल्दी बताएंगे. हिंदी में है, आपके फेवरेट हिंदी में है. हैप्पी महावीर जयंती आप सभी को दोस्तों. बिल्कुल आज महावीर जयंती है, आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं. और आनंद भी जुड़ गए यहाँ पे. विश्वजीत ने आंसर दिया ए, बहुत बढ़िया. गोविंद ने दिया डी, बहुत गड़बड़. टिकेश्वर ने ए, भीष्म ने भी ए, बाकी सबका गड़बड़ जा रहा है. बहुत से लोग हैं, बहुत बढ़िया. अच्छा, विश्वजीत जो है यदि सही जवाब है तो कई बार लिख देते, मुझे लगा सबका. इंग्लिश में भी बता दें कि यहाँ पे जो ऑक्सीनोमीटर है इसका उपयोग हम किस में करते हैं? क्या प्लांट्स की वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ मेजरमेंट करने में, या कि फिर फोटोसिंथेसिस मेजर करने में, या कि फिर कहना चाहिए आपका एनर्जी जो रिड्यूस हो रही है उसको मेजरमेंट करने में, ठीक है. चलिए दोस्तों इतने जल्दी से चलो भाई जल्दी से जवाब. बिल्कुल जो ऑप्शन ए वाले हैं बिल्कुल सही है, पौधों की वृद्धि मेजरमेंट करने के लिए हम करते हैं. ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है. जितने बच्चे ऑप्शन ए वाले हैं उनका सही है, बाकी का तो गड़बड़ है भाई. हाँ जी, जो ऑक्सीनोमीटर होता है इसका उपयोग हम पौधों की वृद्धि, यानी कि जो पौधे वृद्धि कर रहे हैं उसको यदि हमें मेजरमेंट करना है तो हम उसके लिए ऑक्सीनोमीटर का भी उपयोग करते हैं, ठीक है. ऑप्शन ए वालों का सही है, बाकियों का जयराम जी की. अगला क्वेश्चन आप सभी सामने है.
प्राइक्विनिन, क्लोरोक्विन एंड पेल्ड्रीन, ठीक है, हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, अंग्रेजी बोलो, हिंदी बोलो, सब में सेम ही नाम होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। इसका उपयोग हम किस रोग के उपचार में करते हैं? देयर आर द फोर ऑप्शन, प्लेग, मलेरिया, टीबी, निमोनिया। भाई सभी लोग यार जल्दी से चार ऑप्शन का जवाब देंगे, बहुत बढ़िया, हीरेंद्र का जवाब आ गया, अरे वाह, अभी ही बात करी थी मैम ने, है ना, इसके राइमिंग मलेरिया और लवेरिया दोनों की बात करी थी मैम ने, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे सही जवाब की ओर बढ़ते हुए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है यार, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जो मलेरिया होता है उसकी ट्रीटमेंट में, अभी तो बोलो मैम कितना चल रहा था कोविड में, है ना, हाइड्रोक्लोरोक्विनोन को कितना, मतलब यहाँ से मोदी जी भेज रहे थे, है ना, लोगों को कितनी ज़रूरत थी, विदेशों में ट्रांसफ़र किया जा रहा था, तो इतना तो सुने थे ना, अच्छा मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ हुआ जाता था ये वाली, तो एक का भी पता होता तो सब में विन विन तो जुड़ा हुआ है, क्वीन क्वीन, ठीक है। चलो तो ऑप्शन बी, मलेरिया के उपचार में हम इन तीनों तरह की दवाइयों का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फेफड़े के चारों ओर की जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, उसको क्या कहा जाता है? देयर आर दी फोर ऑप्शंस, सभी लोग जवाब देंगे, और आज भाई बच्चे धीमी गति के साथ चल रहे हैं, मजेदार नहीं है, है ना, बहुत बढ़िया। विश्वजीत दास का जवाब आया, मुस्कान राजपूत का जवाब आ गया यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया, मुस्कान राजपूत का जवाब, और अंजलि यादव का भी सही है, अली का गड़बड़ है बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन बी वाले बच्चे हैं उनका सही जवाब है दोस्तों, जो फेफड़े के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, फुफ्फुसी आवरण कहते हैं, ठीक है, हिंदी में बोले तो फुफ्फुसी आवरण बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि जो एमनेशिया होती है ये कैसा, ये क्या है बेसिकली, तो मैं उन्होंने इसमें क्या चीज़ें होती है, एमनेशिया का जवाब देंगे, देयर आर फोर ऑप्शन, क्या ये भूख से रिलेटेड है, भूख का नष्ट होना, क्या ब्लड से रिलेटेड डिसीज है, क्या ये किडनी से रिलेटेड डिसीज है, या कि फिर ये याददाश्त से रिलेटेड डिसीज है। बहुत बढ़िया, बहुत से बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन ए के साथ, सभी लोग भाई जो भी ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना, इतना इतना बस करना मेरे लिए कि भाई 100 लोगों को पहुंचा देना अपना सेशन, है ना, क्योंकि शाम को जो अपन सॉल्व करने वाले हैं उसमें भी खतरू एंजॉय करने वाले अपन सब, है ना, भयानक टाइप से क्वेश्चन होने वाले शाम को, तो इतना मुद्दा होना चाहिए, है ना, इससे कम प्यार मत दिखाना बच्चों, ठीक है। चलिए तो यहां तक तो शेयर कर देंगे ना आप सभी, 100 पहुंचा देंगे, बोलो यस मैम पहुंचा देंगे, अभी शेयर ठोकते हैं अपने दोस्तों तक, अपने दोस्तनियों तक, सभी जगह, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है जिन बच्चों ने ऑप्शन ए दिया है, याददाश्त का नष्ट हो जाना जो होता है ये रिलेटेड, यानी भूलने की बीमारी, आप ऐसा कहो गजनी वाला याद कर लो यार, गजनी मूवी, तो वो कहलाता है एमनीशिया। क्या कहलाता है? एमनीशिया। तो भूलने की बीमारी से रिलेटेड क्या है मैम? एमनीशिया इज द ऑप्शन ए सही है, जिन बच्चों को ऑप्शन ए सही था वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जो व्यक्ति मदिरा पान करता है यानी कि जो अल्कोहल लेता है उसका यकृत कैसा हो जाता है, नष्ट हो जाता है, किस तरह से? जो लीवर है उसमें ग्लाइकोजन जम जाता है, या जो लीवर है उसमें अधिक स्टॉच जमा हो जाता है, या जो लीवर है उसमें ज़्यादा प्रोटीन जमा हो जाएगा, या ज़्यादा फैट जमा हो जाएगा। फोर ऑप्शन है, जल्दी जवाब देंगे, ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर लिख करके जवाब देना भाई, ताकि मुझे समझ आए। आहा, बहुत बढ़िया, अरे बहुत सही, पहला जवाब जो सही दिखा है वो दो लोगों का दिखा मुझे, हीरेंद्र का और बास्टर थिएटर का दिखा है, मास्टर ब्लास्टर का दिखा है, ठीक है। चलिए बाकी लोग गड़बड़ जा रहे। एक बात बताओ जरा दोस्तों, कि यदि कोई अल्कोहल ले रहा है ना, अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है, तो क्या उसकी बॉडी में स्टार्च और प्रोटीन जमता, तो काहे को लोग बोलते कि इट इज़ इंजूरियस टू अवर हेल्थ, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, है ना, ये तो वही बात हो गई कि मतलब कि हमारे हेल्थ के लिए यदि अच्छा होता तो हम क्यों कहते। आपने एक कंसेप्ट सुना होगा फैटी लीवर का, फैटी लीवर उनका ज़्यादा होता है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब नॉर्मल हो, यानी कि जो ज़्यादा मदिरा पान करते हैं, जो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, उनका जो लीवर है फैटी हो जाता है। फैट का मतलब क्या है? उनके लीवर में अधिक से अधिक वसा जम जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो लीवर फैटी हो जाता है, अधिक वसा जम जाता है या वसा को संग्रहित करता है, तो उसे हम कहते हैं कि लीवर का नष्ट हो जाना बेसिकली। भाई यदि स्टार्च या प्रोटीन जमा होगा तो इट इज गुड फॉर अवर हेल्थ, है ना, हम अपने लिए तो लेते हैं ना, हमारी बॉडी में प्रोटीन है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपने एक कंसेप्ट सुना होगा फैटी लीवर, कभी लोग टेस्ट कराने जाते हैं ना लीवर बाकी चीजों का, तो बिल्कुल बिल्कुल, तो हम देखते हैं ना कि यार लीवर में क्या है, फैट जमा हो रहा है, फैटी लीवर, तो फैटी लीवर का मतलब जो लोग ज्यादा अल्कोहल लेंगे उनका लीवर फैटी होगा। थैंक यू मोटू, थैंक यू मोटू ब्लॉक्स, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू यार डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बाइड पर यदि
जल डाल दें तो क्या बनेगा, एथिलीन, मीथेन, एसिटिलीन, इथेन, बताओ जरा क्वेश्चन। रीजनिंग की क्लास आज होगी, आज पेपर में हम पूरा सॉल्व करेंगे, पेपर में सर के सर आपको मिलेंगे पेपर के क्वेश्चन सॉल्यूशन में, ठीक है। चलिए, तो कैल्शियम कार्बाइड में यदि पानी डाल दिया जाए तो क्या बनता है, सभी लोग जवाब देंगे भाई, और यहाँ पे जवाब भी आ गए भाई, मास्टर ब्लास्टर जाहिद खान, दीपक, क्या बात है, डी फॉर दीपक जी का बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, आओ, कैल्शियम कार्बाइड CaCO2, लो भाई पानी डाल दिया, इसने कहा पानी डाल दो, पानी डालने के बाद क्या ही बनता है मैम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ ही साथ मैम C2H2 बनता है, विच इज़ नथिंग बट एसीटिलीन, ये जो C2H2 बना यही एसीटिलीन है, और इसीलिए हम कहेंगे ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। कैल्शियम कार्बाइड में जैसे ही आपने पानी डाला, अभिक्रिया करवाई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, साथ ही साथ एसीटिलीन बन गई, ऑप्शन सी। जिन बच्चों को ऑप्शन सी है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन 22 आप सभी के सामने है, अवरक्त स्पेक्ट्रम कहां पर स्थित है, अवरक्त स्पेक्ट्रम को ही आए अंग्रेजी में हम कहते हैं इंफ्रारेड, कंफ्यूज नहीं होंगे, इंफ्रारेड का सीक्वेंस पूछा है दोस्तों, जिस शॉर्ट ट्रिक से हम पढ़ते आ रहे हैं, जिस शॉर्ट ट्रिक से हमने पढ़ा है, उसी शॉर्ट ट्रिक से फिर से क्वेश्चन आया है, ठीक है, जल्दी बताएंगे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन आया है कि ये माइक्रोवेव है, ये विजिबल लाइट है, ये रेडियो वेव है, ये माइक्रोवेव है, ये विजिबल लाइट है, और ये आपकी पराबैंगनी किरणें जिसे हम कहेंगे अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरे। तो सीक्वेंस पता होगा जिसको वही सही जवाब दे पाएगा, जिसको नहीं पता होगा वो गड़बड़ कर सकता है यहाँ पर, और गड़बड़ करते हुए बच्चे। चलिए, यानी कि आपको जरूरत है दीपाली मैम के शॉर्ट ट्रिक की। आइए बच्चों बढ़ते हैं शॉर्ट ट्रिक की तरफ। यदि कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आप लिखना, मन में सोचना जय श्री राम और ठोक देना, कौन सी शॉर्ट ट्रिक, CGXUV IMR, ये क्या है, ये है छत्तीसगढ़ महिंद्रा का XUV मॉडल और IMR। यहाँ पे आप क्या क्या नया देखने वाले हो, यहाँ पे आप याद रखोगे CG, C for cosmic, G for gamma, X for X-ray, U for ultraviolet, V for visible light, I for infrared, M for microwave, R for radio waves। तो ये पूरा सीक्वेंस हो गया। कैसे सीक्वेंस हुआ, यहाँ पर जो रेडियो वेव्स है इसका लैम्डा मैक्सिमम होता है, फ्रिक्वेंसी मिनिमम होता है, क्या होता है, फ्रिक्वेंसी मिनिमम होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है, साथ ही साथ कॉस्मिक की फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होती है एंड लैम्डा मिनिमम होता है, ये दोनों चीज़ें यदि आप याद रखोगे दोस्तों तो आपको पूरा क्लियर रहेगा, कभी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर बात की अवरक्त किरणों की यानी इंफ्रारेड की, ठीक है, तो इंफ्रारेड कहाँ है मैम, यहाँ पर है, और इंफ्रारेड के बारे में पूछा किस के किसके बीच में है, तो चलो बता दो, इंफ्रारेड जो है मैम XUV, विजिबल लाइट एंड माइक्रोवेव, तो विजिबल एंड माइक्रोवेव कहां पर है मैम, विजिबल एंड माइक्रोवेव्स आर द ऑप्शन ए। जितने बच्चे ऑप्शन ए दिए हैं उनका बिल्कुल सही है, विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश, माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगें। अगली बार क्वेश्चन किसी का भी हो सकता है, वो एक्सरे का भी पूछ सकता है, अल्ट्रावायलेट का भी, और विजिबल का भी, इंफ्रारेड किसी का भी, सीक्वेंस पूछेगा तो सीक्वेंस कैसे याद रखोगे, CG XUV IMR। अब वो चाहे किसी का भी सीक्वेंस पूछ ले, इस बार पूछा इंफ्रारेड का, अगली बार कोई सा भी पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं, चाहे वो गामा का पूछे, एक्सरे का पूछे, अल्ट्रावायलेट का पूछे, विजिबल का पूछे, इंफ्रारेड का पूछे, किसी का भी पूछे, आपको जवाब किसके माध्यम से देना है, PDF मिलेगा मोटू ब्लॉग्स आपको मेरे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम की लिंक दी गई है, नहीं दी गई है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं साइंस बाय दीपाली मैम, ठीक है। चलिए, तो यहां पे बिल्कुल, और यदि यहां पे लैम्डा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, तो आप इधर से चलोगे इधर कम होता जाएगा, यदि फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बनेगा तो इधर से चलकर किधर जाएंगे तो कम होती जाएगी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहां पर कह रहा है, आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा नोबल गैसेस का। तो यहां पे चार ऑप्शन है, यहां पे बेहतरीन चीज मैं आपको बताने वाली हूं, सबसे इंट्रोड्यूस होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। फिर से फुल फॉर्म बताएं, तो फुल फॉर्म किसका बताएं, अच्छा शॉर्ट ट्रिक का, तो CGXUV IMR कॉस्मिक गामा एक्सरे अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट हिंदी में लिखना है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हीरेंद्र मैं आपको हिंदी में भी भेज दूंगी टेलीग्राम में, ठीक है, पर्सनल मैसेज कर देना कि मैम वो वाला शॉर्ट ट्रिक वाला भेज दो, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे जवाब कुछ लोगों का आ रहा है, कुछ लोगों का नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ लोगों का नहीं आ रहा है तो आइए चलिए भाई बता देते हैं, ठीक है। क्या याद रखोगे आप, सिर्फ और सिर्फ आप याद रखो 2, 6, 10, 14, ये क्या है मैम, ये क्या है, ये है S ब्लॉक में, P ब्लॉक में, P
बी एंड डी, ये ब्लॉक नहीं है दोस्तों, ये सबसेल है। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग जिनका भी गड़बड़ होता है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। जब हम बात करते हैं 2D कॉन्फ़िगरेशन की, तो हम फॉर्मूला याद रखते हैं 2n2। ये जो आप के एल एम एन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरते हो ना, तो 2, 8, 18, 32, तो कैसे भरते हो मैम, कैसे भरते हैं, इस फॉर्मूले से भरते हैं। लेकिन जब हम सबसेल इंट्रोड्यूस करते हैं, उपकक्षाएं, तो वो जो उपकक्षाएं होती हैं SPDF, वो SPDF में क्या होता है मैम, S उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, P उपकक्षा में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D उपकक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन और F उपकक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरीके से हम जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p, फिर ऑफ बाउ प्रिंसिपल चलता है, कौन सी एनर्जी चलेगा तो वो आगे का है। यहाँ पे ऑप्शन मैच करते हैं 1s 2s 2p, तो s में 2 बिल्कुल सही, s में 2 बिल्कुल सही, p में 6 होने चाहिए तो बिल्कुल सही, तो बिल्कुल जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे देखो मैम, s में 1 इलेक्ट्रॉन ये अधूरा है, s में 5 इलेक्ट्रॉन ये भी गड़बड़ है, s में कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए, p में कितने होने 6 होने चाहिए। पहली बात तो पता होगी जो नोबल गैसेस हैं, जो आदर्श गैसेस हैं, आदर्श गैसों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा दोस्तों वो कैसा होगा, आदर्श गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो कंप्लीट होगा, यानी उनकी आखिरी कक्षाओं में उन्हें इलेक्ट्रॉन के ना लेना है ना देना है, यानी कंप्लीट होना चाहिए आखिरी कक्षा। और आखिरी कक्षा इन चारों में से सिर्फ ऑप्शन ए की कंप्लीट दिख रही है, दैट्स वाई हम कहेंगे ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ कि नहीं एक बार बता दोगे, यस मैम ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली क्लियर, सही है, एकदम सही है, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मोटू ब्लॉक्स एब्सोल्युटली, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक फिर से बता दें राहुल देवांगन, ठीक है, कई लोग शॉर्ट ट्रिक्स की मांग किए हैं तो अब हम दोबारा से बता ही देते हैं आप लोगों के लिए। चलिए इसी बात पे सभी लोग लाइक ठोक देना यार, चूंकि अब आप लोगों ने बोला है तो हम शॉर्ट ट्रिक दोबारा बना देते हैं, और सभी लोग जो है शॉर्ट ट्रिक तो बता ही रहे, लाइक ठोक देना और शेयर कर देना, ठीक है। चलिए शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे CG छत्तीसगढ़ का, CG महिंद्रा का XUV मॉडल गाड़ी वाला, और क्या लिखा मैम आपने, IMR लिखा। अब ध्यान से लिखना है यहाँ पे, C फॉर कॉस्मिक, G फॉर गामा, X फॉर एक्सरे, U फॉर अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी, V फॉर विजिबल लाइट यानी हिंदी में कहेंगे दृश्य प्रकाश, I फॉर इंफ्रारेड मतलब अवरक्त किरणें, ठीक है, M फॉर माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगे, R फॉर रेडियो वेव्स यानी कि रेडियो तरंगे, क्लियर है। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये आपको सीक्वेंस बताती है, एज वेल एज आप याद कर सकते हो यहाँ पर कि जो ये रेडियो वेव है इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज़्यादा होता है और इसकी आवृत्ति जो है सबसे कम होती है। इधर से याद कर लेना कि कॉस्मिक और गामा किरणों का जो लैम्डा है वो सबसे कम, यानी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ दोस्तों, ठीक है, थैंक यू डियर, थैंक यू, अब डेली क्लास होगी, बिल्कुल थैंक यू सो मच दोस्तों, 100 लाइक्स डन हो गए, बस 100 वॉचिंग जैसे ही पार होगा मज़ा आ जाएगा, है ना, तब मज़ा आ जाएगा। क्या है, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, फिर से एक बार ध्यान से सुनना, यहाँ पर कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, हिंदी वाले सुनेंगे, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, और आई से है आपका इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो वेव्स, ठीक है। हाँ मतलब 10 मिनट, चलिए तो सही है यहाँ पे, अभी फिर से मैंने रिपीट कर दिया है यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स, क्लियर है सभी को, एक बार बता दोगे, यस मैम शॉर्ट ट्रिक डन हो गई, ओ माय गॉड थैंक यू सो मच राकेश शर्मा जी, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट यार बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अब शॉर्ट ट्रिक लिख लिए हो गए यार सब लोग, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, ये वाला समझ नहीं आया तो एक बार फिर से मैं समझाना चाहूँगी, ठीक है, ये वाला फिर से समझाना चाहूंगी कि जब हम SPDF में भरते हैं जो इलेक्ट्रॉन उपकक्षाओं में, तो वो कैसे भरते हैं, 2, 6, 10, 14 से भरते हैं, तो जिसमें हमें दिखेंगे पूरा, तो P के आखिरी कक्षा में 6 होने चाहिए, तो ये सिर्फ इसमें ही कंप्लीट दिख रहा है, दैट्स वाई हमने ऑप्शन ए को कहा, ठीक है। वैसे भी ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बताना है आप सभी को, देयर आर दी 4 ऑप्शंस, जल्दी से मैम आपकी डेली क्लास, अब से डेली क्लास होगी प्राची मिश्रा जी, अब से डेली क्लास होगी, है ना, तो आप डेली, अभी आपको लिंक मिल जाएगी शाम तक, आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं, डेली दोपहर 1 बजे
फर्स्ट नंबर दोपहर 1 बजे, ठीक है, डेली दोपहर 1 बजे मिलेंगे और जल्दी से यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी बच्चे यहाँ पे। कुछ ए पे जा रहे हो, सब ए पे जा रहे हो, कैसे भाई? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की बात हो रही है, तो मतलब तुम लोग सोडियम वाला चपकाओगे क्या? सोडियम में कितना, आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम की आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, गजब बात है भाई। मतलब सोडियम का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, तो हम मैग्नीशियम का भी वही चपकाएंगे। अरे भाई गजब ही क्यों, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है MgHCO3 द होल ट्वाइस, इसीलिए तो पूछा रही सी ऑप्शन वाले भी हैं। मास्टर ब्लास्टर दीपक, प्राची, AS कुमार साहू, जाहिद और मोहित साहू, बहुत बढ़िया। टिकेश्वर ने भी जवाब दिया है, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन वालों का सही है, इसीलिए तो पूछा, नहीं तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं पूछता कि हाँ बता दो तुम लोग NaHCO3। इसने क्यों पूछा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है MgHCO3 द होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है, डेविल फिश के नाम से कौन सा जाना जाता है? जल्दी से सभी लोग लाइक कर देंगे सेशन को और शेयर भी कर देंगे, है ना भाई? जल्दी से 100 पहुंचाना है दोस्तों, 100 पहुंचाना है, सभी जगह शेयर ठोक देना। क्वेश्चन कह रहा है डेविल फिश के नाम से क्या जाना जाता है? पायला, सेपिया, टैरिडो, ऑक्टोपस। किसी का भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए भाई, ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी। और पहला जवाब, अरे भाई गड़बड़ कैसे, गलत कैसे दे रहे हो? डेविल फिश के नाम से किसको जानते हैं? चलो पहला जवाब आ गया भाई, यहाँ पे पहला जवाब बिल्कुल सही आया है, दूसरा गड़बड़ आया है, सबके गलत आ रहे हैं भाई। मैं बता दूं, जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस को हम जानते हैं डेविल फिश के नाम से। अब मुझे आप सभी ऑक्टोपस का संघ बताएंगे, ये किस संघ से, या इंग्लिश में कहूँ तो ये किस फाइलम से बिलोंग करता है? जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे, ठीक है भाई? ऑक्टोपस को हम डेविल फिश के नाम से जानते हैं दोस्तों, ऑक्टोपस किस संघ से बिलोंग करता है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए। बहुत बढ़िया, रिंकू रंगारी ने जवाब दिया है, राहुल देवांगन ने दिया है, ठीक है, बिल्कुल भाई जल्दी से जवाब देंगे यहाँ पे कि मैम ये जो फाइलम है ऑक्टोपस का वो क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है, फाइलम पता होना चाहिए, ऑक्टोपस किस फाइलम से बिलोंग करता है, जल्दी से जवाब चाहिए, फास्ट फास्ट फास्ट, कोई लिख नहीं पा रहा है, यानी कि भूल गए हो तुम लोग, इससे पहले मुझे लिखना होगा। ऑक्टोपस जो है मैम मोलस्का संघ से बिलोंग करता है, मोलस्का फाइलम से बिलोंग करता है, किससे मैम? मोलस्का से बिलोंग करता है मैम, ठीक है, किससे? मोलस्का से बिलोंग करता है। और सभी के संघ आपको पता होना चाहिए, मैं बता दूं जानवरों के संघ भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन था डेविल फिश के नाम से ऑक्टोपस को जानते हैं, ऑप्शन डी। अब ऑक्टोपस किस संघ से बिलोंग करता है? तो मोलस्का संघ से बिलोंग करता है। किस किंगडम से बिलोंग करता है? एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाउ मेनी बोन्स डज हैव शार्क? शार्क जो आपकी प्यारी प्यारी मछली है सबसे बड़ी, इसके में कितने नंबर ऑफ बोन्स होते हैं, ठीक है? चलिए लास्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर अपन एंड करेंगे, जल्दी से जवाब देंगे। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं शार्क में? और यहाँ ओहो ये देखो जरा, 108 वाले हो भाई, ये क्या है? मतलब तुमसे एक दो ऐसे लोग गड़बड़ किए हैं जो सही जवाब देते आए हमेशा, ठीक है भाई। शार्क मछली में बता दूं, शार्क डोंट हैव बोन, इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती दोस्तों, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी, शार्क मछली में कोई भी हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट इज यूज 6 आवर पर डे, कैलकुलेट दी यूनिट एनर्जी यूज्ड बाय बल्ब इन 1 डे। जल्दी से सभी लोग इसका जवाब देंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपन सेशन एंड करेंगे, फिर अपन कल जुड़ेंगे सेम समय दोपहर 1 बजे, अब से नॉन स्टॉप क्लासेस चलेंगी आपकी डेली, ठीक है। चलिए जल्दी जवाब देंगे फास्ट में, बहुत बढ़िया। यहाँ पे किसी ने जवाब दे भी दिया, मोटू व्लॉग्स ने, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मोटू व्लॉग्स का जवाब आया, बाकियों के नहीं आए हैं तो अब हम ये बता देते हैं, ऐसा हमें लग रहा है, ठीक है। चलो एनर्जी फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है? एनर्जी फाइंड आउट करनी है दोस्तों, ऊर्जा बोलूं एनर्जी बोलूं बात एक ही है। एनर्जी इज इक्वल टू मैम पावर इनटू टाइम होता है, और यहाँ पे पावर इज इक्वल टू गिवन है 60 वॉट। एक बात का जो आपको ध्यान रखना था, यहाँ पे जो आपने गड़बड़ करा है, ध्यान से सुनना सभी लोग, देखो सबको ये पता होना चाहिए कि जो हम एनर्जी मेजर करते हैं मैम वो किस में मेजर करते हैं? एनर्जी
एनर्जी हमेशा मेजर करते हैं किलो वॉट आर में, किसमें, किलो वॉट आर में। तो यदि किलो वॉट में वैल्यू दी होती मैम तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते क्योंकि यहाँ पे 6 आवर पर डे की बात चल रही है। लेकिन वैल्यू क्या किलो वॉट में दी गई है? बिल्कुल भी नहीं दी गई है, वैल्यू दी गई थी वॉट में। तो जो बच्चे गड़बड़ करेंगे सिर्फ वो यहीं पर करेंगे कि 60 वॉट लिख देंगे और गड़बड़ हो जाएगा और वो छाप के आ जाएंगे। एक छोटी सी चीज़ है भाई आपको, जो एकदम नॉनटेक वाले बच्चे होते हैं ना उनको बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि मैम कैसे क्या मैम बायोलॉजिकल साइंस समझ नहीं आती है, मैं मैथ्स लेकर स्टडी किया हूँ। मैं बता दूँ मोटू ब्लॉक्स यहाँ मैं सारे इंजीनियरों को ही पढ़ाती हूँ और जितने भी अपने जेई बैच के इंजीनियर्स हैं वो सबको बायो से प्यार हो जाता है एक समय के बाद, ठीक है। तो आप डेली क्लासेस अटेंड करो, आपको ऑटोमेटिक बायो ईजी लगने लग जाएगी। बायो को हमने हवा बना रखा है कि भाई वो भाई कभी बायो वालों से पूछ के देख रहा है एक बार डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन देके देखो जरा, उनको लगेगा ओ भाई क्या ही पढ़ते हो तुम लोग। तो ये हमारा है कि हमें दूसरे की थाली थोड़ी सी लगती है ना कि भाई वो टफ होगा वो टफ होगा, एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। बायो बायो से आसान तो दुनिया में कुछ भी नहीं लगता मुझे। ध्यान से देखेंगे पावर जो है, जो देखो इतना सबको पता है मैम कि 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000, ऐसे यहां से लिखना। ध्यान से देखेंगे जो एकदम प्योर नॉन टेक के बच्चे हैं ये उनके लिए है जो कभी गड़बड़ ना करें। तो मैम ये हम सबको पता है लेकिन यहां वैल्यू वॉट में है तो इसको यहां आओ जरा 1000 वॉट बराबर 1 किलो वॉट लिख दिए। तो यदि मैं 1 वॉट निकालूंगी, ज्यादा संख्या है तो डिवाइड कर दो, तो मैम 1/1000 किलो वॉट हो गया। पेपर में क्वेश्चन दिया है 60 वॉट का, तो बराबर हो गया मैम 60/1000, तो शून्य से शून्य गया बराबर 0.06 मैम किलो वॉट। तो बताओ कभी भी गलत हो सकता है क्या? यदि आपने इस तरीके से सॉल्व किया, मत रटो ना, रट के क्यों जा रहे हो, तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, पावर की वैल्यू है 0.06 इंटू टाइम कितना दिया गया है 6 आवर, तो 6 छांग 36 हो जाता है, तो आ गया 0.36 किलो वॉट आर, या मैं कह दूं जूल तो आ जाएगा 0.36, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है, ठीक है। बायो अरे बायो से प्यार हो जाएगा, अभी इमेजिन तो करो भाई, पढ़ना तो स्टार्ट करो उसके बारे में, ठीक है। मैं लिटरली बता रही हूँ, लिटरली क्लासेस अटेंड करो डेली, आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों, और कल फिर मिलेंगे 1:00 PM, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट आज शाम 6 बजे हम मिलने वाले हैं मॉक टेस्ट के साथ, आप सभी के साथ, तो जुड़ना ना भूलें। आज शाम 6 बजे हम कंटिन्यू जो है पूरा पेपर सॉल्व होगा, तो आइए जांचते हैं कि आप सभी लोगों की प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। शाम 6 बजे फिर मिलेंगे, सभी टीचर आएंगे 1 by 1, सारे पार्ट के मतलब सारे क्वेश्चंस 1 by 1 हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल 1:00 PM, उससे पहले आज शाम 6 बजे।